आपको अहम खबर दें, कौमी असम्बली के हल्का एन 81 के वोटों की दोबारा गिनती का मामला है। दोबारा लिखने पे नू ली के अजहर कयूम 110,057 वोट लेकर कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज ने 106,860 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम ने इंतखाबात के नतायज को चैलेंज किया था। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मोहसिन नकवी से। जी मोहसिन बताएगा। जी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 75 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा गिनती के लिए जो हुक्म दिया गया था, जिसपे आज रिकाउंटिंग हुई है। और इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि अजहर कयूम नारा जो 109,926 वोट लेके दूसरे नंबर पे रहे थे, जबकि बिलाल इजाज आजाद उम्मीदवार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमायत थी उन्हें, वो 117,717 वोट लेकर उन्होंने हल्फ भी उठा लिया और असम्बली में बाकायदा वो बैठ भी गए हैं कौमी असम्बली में। और आज दोबारा से जो काउंटिंग करके तो अजहर कयूम नारा मुस्लिम लीग नवाज के हैं, उन्हें 6,000 वोटों से जो सबकत मिली है। और दोबारा जो है उन्हें MNA जो है, अब जाहिर है वो अब इस सीट पे NA 81 में वो अब जीत चुके हैं, उन्हें कामयाब करार दे दिया गया है। और इस पे मुस्लिम लीग जी बोले, इस पे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो जश्न मनाया जा रहा है, कारकुनान बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। अपनी रवायती जिस तरह पहलवानों का शहर है उसी तरह वो खुशी का इजहार कर रहे हैं ढोल की थाप पे, ढोल की थाप पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी तफसीलन आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के हल्का NA 81 के वोटों की दोबारा गिनती का मामला है और दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर कयूम 110,057 वोट लेकर कामयाब करार पाए और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज ने 106,860 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम ने इंतखाबात के नतायज को चैलेंज किया था। इस हवाले से नून लीग के कारकुनान की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है, इस खुशी का इजहार भी किया जा रहा है।